हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैम फैशन अप, जहाँ पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रोडक्ट्स रिव्यूज और कुछ फैशन के बारे में और अपने लाइफ के कुछ अपडेट्स भी शेयर करती हूँ। तो मैंने कल आप लोगों के साथ महापर्व छठ का खरना ब्लॉग शेयर किया था और आज का जो सेकेंड डे है जो कि संझकी अर्घ होता है, मैं उसका ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि संझकी अर्घ को किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो व्रती होती है वो 3 दिन का फास्ट रखती है, खरना को पूरे दिन का निर्जला फास्ट, फिर संझकी अर्घ का पूरे दिन और रात का निर्जला फास्ट, और जो सुबह का अर्घ होता है उसके बाद ही वो कुछ भी ग्रहण करती है। तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी और इसमें क्या क्या होता है प्रोसेस वो सारा कुछ मैं बताऊंगी। छठ का तीसरा दिन जो होता है उसे हम लोग संझकी अर्घ बोलते हैं और इसे यह बोल सकते हैं शाम को डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं और इसमें सुबह सुबह हम लोग प्रसाद की तैयारी करते हैं। और हमारे यहाँ छठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद जो होता है वो ठेकुआ होता है, जो कि हर जगह पे कभी कहीं कहीं पे मैदा का और कहीं कहीं पे आटा का बनता है और वो ठेकुआ हमारे यहाँ जरूर से ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे घर की जितनी भी लेडीज़ होती हैं सब मिल करके बहुत ही अच्छे से सब कुछ बनाते हैं और जो बना रही होती है उन्हें भी फास्ट रखना होता है और वो खाली पेट भूखे पेट इस प्रसाद को बनाती हैं। और इसमें सब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको बनाना होता है और साथ ही साथ जितने भी फल होते हैं सबको धो करके और अच्छे से क्लीन करके उसको रखना होता है। तो पूरे घर में बहुत ही बिजी सा फीलिंग हो रहा है और बहुत ही अच्छा सा लगता है, पूरा घर में ही ये फेस्टिव सा पूरा सा माहौल बन जाता है और सब लोग इस चीज़ को बहुत ही आस्था के साथ करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग फल धोने की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में एक्स्ट्रा भी जो भी ठेकुआ बनता है क्योंकि प्रसाद बहुत ही मात्रा में बाँटा जाता है तो फिर एक्स्ट्रा ठेकुआ भी बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग एक्स्ट्रा अलग से बना रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे पूजा की तैयारी हो रही है और ये भी ठेकुआ बन रहा है, आप देख सकते हो यही हमारे यहाँ का मेन प्रसाद होता है। और इस तरीके से यहाँ पे आटे का ठेकुआ बन रहा है और इधर आप देख सकते हो पूरी भी बनती है और ये भुशवा होता है और ठेकुआ होता है जो कि ये सारा कुछ हमारे सूप पे चढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हो कि सब कुछ बन करके रेडी हो चुका है क्योंकि उसके बाद सूप को सजाना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इधर फल भी धुल चुका है और पूजा अब स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ। फिर पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिंदूर पिठार से सारे जगह पे टीका लगाया जाता है और जितने भी फल होते हैं सारे फल पे एक एक करके सारे फल पे सिंदूर और पिठार लगाया जाता है। पिठार का मतलब होता है वो चावल को फुला करके और उसका घोल बनाया जाता है, वो कि जो कि हर जगह पे उसे लगाया जाता है। जितने भी फल होते हैं और जितने भी मंदिर वगैरह है सब पे वो सिंदूर और पिठार का लेप लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माँ भी तुलसी चौरा पे पूजा कर रही है और ये सिंदूर पिठार का लेप लगा रही है। और देख सकते हो ऊपर हमारा घाट बन करके बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो गया है। इस बार कोरोना की वजह से हम लोग कहीं भी नदी और पोखर पे नहीं जा सके, इसलिए छत पे ही इस घाट को बनाया गया है जिसे ईटा से घेर करके और उसमें पानी को जमा करके और ये घाट बनाया गया और उसे बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है। और यहाँ पर ही इस बार हमारा छठ होगा तो आप देख सकते हो घाट कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और अब आप देख सकते हो कि हम लोग सूप को भर रहे हैं। सूप को भरने का मतलब होता है जितने भी फल होते हैं और जितने भी ठेकुआ होते हैं सबको सूप के अंदर डालना होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे सूप हैं लेकिन सारे जगह पे सबके घर में अलग अलग संख्या में सूप होता है क्योंकि जिसकी जितनी मान्यता होती है उस मान्यता के अनुसार से फल उसमें सूप चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से सारे पे सिंदूर पिठार लगा कर सूप भर रहे हैं और इधर से जो भी एक्स्ट्रा साइड से ठेकुआ बना था वो भी यहाँ पे बन चुका है और अभी और भी बन ही रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो धीरे धीरे करके सारे फ्रूट्स को इस सूप में भरा जाता है और सारा सूप भर के इस तरीके से तैयार किया जाता है। Thank you.
और आप देख सकते हो सूप पूरा भर करके पूरा तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ नॉट सूप भरा जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग अलग सबके लिए मान्यता होता है, जो मन्नत पूरा होने के बाद सूप चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे इतनी सूप हम लोग चढ़ाते हैं। और साथ में मिट्टी का छोटा कटोरा जिसे कोसिया कहते हैं उसे भी भरा जाता है और उसे हर एक सूप पे डाला जाता है। इस तरीके से सब कुछ तैयार हो चुका है और यहाँ पे केला का पूरा एक घौर भी चढ़ाया जाता है और इस तरीके से पूरा वहाँ पे कलश तैयार है और सब कुछ की तैयारी हो चुकी है। बस अब हम लोगों को उसे छत पर जाना है और डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सब कुछ सज करके पूरे अच्छे से तैयार हो चुका है और आप देख सकते हो अब सब लोग थोड़े से रिलैक्स हो चुके हैं और सब लोग बैठ के बस चाय पी रहे हैं। और उसके बाद सब लोग एक दूसरे का पैर कलर करते हैं क्योंकि हमारे बिहार में पैर को कलर करना रंग से उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सब लोग मिलके पैर कलर कर रहे हैं और माँ के मैं हाथ भी रंग रही हूँ। तो और अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ ऊपर जाने के लिए, तो अब चलते हैं ऊपर। तो आप देख सकते हो शाम के 4 बजे हैं और ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर ऐसे हर बार हम लोग घाट पे जाया करते थे इस टाइम में, लेकिन इस बार छत पे ही हो रहा है, तो हम लोग सब कोई छत पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हो इस तरीके से सूप को लगा करके और भगवान जी का डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं, जो भी वर्तनी होती है वो पानी में खड़े होकर के डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है और वहाँ पर इंतज़ार करती है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे सूरज भी ढलना शुरू हो गया है और सब लोग वो वहीं पे खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज उसके बाद सब लोग आप देख सकते हो यहाँ ऊपर में बहुत लोग हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे खड़े होकर के माँ अभी प्रणाम कर रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि सूरज कब पूरे अच्छे तरीके से डूबेगा और उसके बाद हम लोग अर्घ देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी माँ के साथ खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने फास्टिंग रखी थी और उनका भी कुछ माँ का मानना हुआ था, इसलिए वो साथ में खड़े हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे सजा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और छठ की यही तो चीज़ है, एक छोटी छोटी चीज़ भी इतना आस्था के साथ होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को उससे जुड़ाव फील होता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग एक घर से जुड़े हुए हैं और वो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। हम लोग बचपन से ही छठ का वेट करते थे क्योंकि बहुत लोग आते थे और बहुत सारी मस्तियाँ होती थी। तो यहाँ पे भी सब कुछ देख सकते हो अब इस तरीके से सज गया और अब सूरज भी डूबने लगा है और अब हर एक सूप को इस तरीके से डूबते हुए सूरज को चढ़ाया जाता है इस तरीके से जल में सटा करके। और इसी तरीके से पूरा प्रोसेस होता है और संझकी अर्घ को बस एक सूप होता है जो लास्ट का एक सूप होता है, उसमें सब लोग अर्घ देते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम लोग छठ पूजा तो आप देख सकते हो ये लास्ट सूप है जिसे माँ डूबते हुए सूरज को चढ़ा रही हैं और उसके बाद हर लोग इसमें अभी जल से अर्घ देते हैं, यानी कि जल जो है चढ़ाते हैं डूबते हुए सूरज को। और इस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं और मेरे हस्बैंड भी इस तरीके से अर्घ देते हैं और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सब लोग अर्घ डालते हैं। और फिर इस तरीके से आप देख रहे हो कि सब लोग अर्घ दे रहे हैं।
और अर्घ देने के बाद सब लोग वहाँ पे बहुत देर तक बैठते हैं, और जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो जाता तब तक बैठ करके वहाँ पे आस्था के साथ भगवान जी का पूजा करते हैं, और सब कुछ होता है वहाँ पे। इस तरीके से हम लोग सब वहाँ पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए। और इस तरीके से शाम का अर्घ जो होता है संझ की अर्घ वो पूरा होता है, और मैं कल सुबह आप लोगों के लिए भोर की अर्घ का भी जो है वो वीडियोस ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियोस के साथ ज़रूर बने रहें, और प्लीज़ अगर मेरा वीडियोस पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और उस दिन ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो आप लोग देख सकते हो घर में कितने लोग थे और कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर वहीं पर छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया और उनके लिए केक काटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत मस्ती में पूरा छठ बहुत अच्छे से इंजॉय किया।